आज का प्रेरणा पाथे कल किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, क्या आपने देखा है? जब हम आज से कल पे जाएंगे तो कल पे जाते कहेंगे तो आज हो गया, फिर कल पे जाएंगे कि आज आ गया। इसीलिए yesterday has gone away, tomorrow never exist, the moment of the present is with us to do something। कल कभी आता नहीं है, और जो भूतकाल का कल है वह भी चला गया, तो प्रेजेंट का जो मोमेंट है वो हमारे सामने है, उसका हमें उपयोग करना है। टाइम इज मनी, सबसे बड़ा धन समय है, और वही प्रेजेंट का मोमेंट ही समय है, उसका उपयोग करना है वह मुख्य कार्य होता है। इसीलिए हमें जो वर्तमान के समय की प्रेक्षा, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करना कि हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवावें, तो व्यर्थ गंवाने के लिए व्यर्थ न गंवावें तो हमें क्या करना चाहिए, ये दो तरीके से होता है। कई लोग ये समझते हैं कि मैं घर बनाऊं, बंगले बनाऊं, पद बनाऊं, प्रतिष्ठा करूं, बड़ा व्यक्ति बनूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, यह भी एक पुरुषार्थ तो है ही है, लेकिन ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, और सही मायने में तो ये रिलेटिव पुरुषार्थ भी अज्ञान है, क्योंकि होना करना ये पूर्व में निर्धारित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हाथ पांव मत चलाओ, आपको हाथ पांव चलाने हैं, आपको सारे पुरुषार्थ करने हैं, आपको निष्काम कर्म करना है, सब काम करना है जो आप करते रहो, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, और उससे फल की इच्छा करने से दुख की प्राप्ति होती है।